हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक वूलन रुमाल बनाई हूँ जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं इसे कैसे बनाई हूँ वो आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर आप लोगों को अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप इसे बना सकते हैं। और इसके लिए आप लोग सिंगल कलर बचे हुए ऊल से भी बना सकते हैं और दो कलर ऊल से भी बना सकते हैं। तो आप लोग 2 प्लाई 4 प्लाई 3 प्लाई कोई भी ऊन ले सकते हैं और ऊन के मुताबिक आप लोग क्रोशिया ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग बीच में एक फ्लावर बना लीजिएगा, कोई भी फ्लावर। अगर फ्लावर नहीं बने तो 6 चेन लेकर उसमें डबल क्रोशिया पहले एक लाइन बनाइएगा और एक लाइन डबल क्रोशिया के बाद उसके बाद आपको 3 चेन लेकर एक एक डबल क्रोशिया के बीच में उसको सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन करते जाना है। तो दूसरा लाइन आपको इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो दो लाइन देखिए सिर्फ मैं चेन डाल डाल के बनाई हूँ। तो पहली लाइन में आप लोग 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बाद आपको सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर इसी तरह से इसको पहली लाइन को पूरा करना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, 4 चेन बनाना है, फिर आपको बीच में सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, फिर 4 चेन बनाना है, फिर सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। इसी तरह से आप लोग इसकी दूसरी लाइन बनाइएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग सिंगल कलर से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 लाइन आप लोगों को इसी तरह से बनाना है। 4 के बाद आपको यहाँ पर 5 चेन का यूज करना है। तो इसी तरह से आप लोग ऐसे चेन का इस्तेमाल करिएगा ताकि आपका ये वूलन रुमाल सिकुड़े नहीं, और इसी तरह से कंटिन्यू आप बनाते जाइएगा। तो 5 लाइन आपका जब ये बनकर कम्प्लीट हो जाए तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक लाइन में डबल क्रोशिया बनाई हूँ। तो 4 4 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, हर एक चेन के अंदर में आपको यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन। इसी तरह से इस लाइन को रिपीट करते जाना है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मैं जहाँ पर चेन दिया हुआ है तो आप लोग 5 जहाँ पर है वहाँ बीच में आपको यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 चेन, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन बनाना है, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये मैं यहाँ से डिज़ाइन डाली हूँ। तो इसी तरह से आप लोग इस डिज़ाइन को स्टार्ट कीजिएगा। बीच में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर आप लोग 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अगर आपका ये सिकुड़ने लगे तो यहाँ 3 चेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन मैं इसमें स्टार्ट की हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक पहले स्टार्ट करना है, एक के बाद यहाँ पे 2 करना है, 2 के बाद 3 करना है, 3 के बाद 4 करना है, और 4 के बाद ये 5 करना है। 5 के बाद मैं इसको घटाना स्टार्ट की हूँ। तो 5 के बाद यहाँ पर 4 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और 1 मैं लास्ट में की हूँ। तो यहाँ पर चेन आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ये आपका सिकुड़े नहीं। इसी तरह से पूरी लाइन आपको बनाकर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके बाद मैं लास्ट में 6 6 चेन का इस्तेमाल की हूँ। इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर बनाइएगा। फिर यहाँ पर 4 चेन, फिर सिंपल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, फिर 4 चेन। इसी तरह से आपको जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो इस लाइन को आपको कंप्लीट करना है। तो 2 लाइन आपको इसी तरह से सेम बनाना है, और 1 लाइन में 4 4 चेन और 1 लाइन में 5 चेन का इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इसी तरह से आपको ये डिज़ाइन के बाद इसको बनाना है। और फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 8 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ, फिर 8 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाई हूँ, फिर 8 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसको पूरा कंप्लीट करना है। और फिर लास्ट में यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया, फिर इस 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसको लास्ट वाला लाइन जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसी तरह से मैं इसको सारे चेन के अंदर में सिर्फ डबल क्रोशिया डालती गई हूँ। और ये जो लास्ट वाला आपको डिज़ाइन दिख रहा है, तो यहाँ से आप लोग ऊल को ज्वाइंट करिएगा, फिर 3 चेन बनाइएगा, 3 चेन बना करके फिर यहीं सेम जगह पर आपको 4 डबल क्रोशिया बनाना है।
चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको ये तीन डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पर सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है, फिर इसको आप लोग इसी तरह से तीन चेन, फिर यही सेम इसी जगह पर चार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसी तरह से इसको तीन डबल क्रोशिया के बाद ज्वाइन करना है। इसी तरह से चारों साइड में इसको पूरा बनाकर कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ मैं आप लोग देख सकते हैं जो 10-10 में ये बनाकर यहाँ पर बचे हुए ऊल का यूज़ की हूँ और फिर इसको इस तरह से पूरा की हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपका डिज़ाइन, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं बताने की कोशिश की हूँ, अगर आप इसे समझ गए होंगे तो ये डिज़ाइन आप लोग बनाना ज़रूर बनाइएगा। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।